हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहेगी वो डीसी और पीजीडीसी जो काफी सब्जेक्ट है, काफी टफ सब्जेक्ट, उसका नाम है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, और जो पीजीडीसी में है वो है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा व्यस्त था, जो एमपी पटवारी की वीडियो बना रहा था। एमपी पटवारी के साथ साथ मैंने बहुत सारी वीडियो सीपीसीटी की अपलोड किया है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, दोनों में ही सेम कोडिंग है और एचटीएमएल का ही कमाल है। तो आज आपको केवल एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट समझना है, उससे रिलेटिव क्या क्या होता है थोड़ा सा देखना, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो अपना एचटीएमएल होता है, क्या बेटा, एचटीएमएल, एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो हुआ फुल फॉर्म, लेकिन एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता क्या है। कभी कभार आपने इंटरनेट चलाया होगा, और हमेशा चलाते हो, कभी आपने देखा होगा इंटरनेट में आप कुछ भी सर्च करोगे तो एक पेज खुलता है जिसको वेबसाइट बोलते हैं, और वेबसाइट के अंदर के पेज को वेब पेज बोलते हैं, ओके। अब वेब पेज के अंदर जो भी लिखा जाता है टेक्स्ट, क्या लिखा जाता है बेटा, टेक्स्ट। तो जो वेब पेज के अंदर टेक्स्ट लिखे जाते हैं, इमेज लाई जाती है, लिस्ट लाई जाती है, वो किस लैंग्वेज से लाई जाती है बेटा, वो लाई जाती है एचटीएमएल के द्वारा। किसके द्वारा, एचटीएमएल के द्वारा वेब पेज के अंदर ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो मैं आपको क्लियर क्लियर बता रहा हूं जो एचटीएमएल है, डीसीए में क्या है, पीजीडीसीए में क्या है, बुक से अलग अलग है, लेकिन जो उसके अंदर का कॉन्सेप्ट है एचटीएमएल का वो सेम होने वाला है, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं इनका दो पार्ट बनाता हूँ। कितना पार्ट बनाता हूँ, दो पार्ट। एक तरफ मैं कोडिंग बताऊंगा और एक तरफ मैं बताऊंगा बेटा आउटपुट, क्या बताऊंगा, आउटपुट। यहां से देखना आप विशेष रूप से क्या होता है। जैसे कि आप बोलते हो कि आप जब भी एमएस इंटरनेट में कुछ भी चीज सर्च करोगे तो एक पेज खुल के आता, ओके। इस पेज को वेब पेज बोला जाता है, और वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो वेब पेज खुलते हैं इनको एक्चुअली में बनाया जाता है, और किसके द्वारा बनाया जाता है, एचटीएमएल के द्वारा बनाया जाता है। अब देखना कैसे, इस पेज को इंटरनेट वेब पेज, ओके, मैं बोलता हूं जो वेब पेज डिजाइन किया जाता है, क्या बेटा, जो वेब पेज डिजाइन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए कुछ टैग की जरूरत होती है, क्या, टैग की। अब बोलोगे सर ये टैग क्या है, तो टैग में आप एक लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, ओके। इसके मध्य में जो डेटा लिखा जाता है वह उसी का टैग कहलाता है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर HTML, तो ये किसका टैग होगा बेटा, HTML टैग। इस टैग को बोलते हैं ओपन टैग, क्या, ओपन टैग। अच्छा, इसका क्लोज टैग क्या होगा, इसका क्लोज टैग होता है आप इसको HTML, आपको यहां पर बंद करना पड़ेगा, ओके। जब बंद करोगे तो आपको ये चिन्ह लगाना होता है, ओके। तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोज टैग, क्या बोलते हैं, क्लोज टैग। ये HTML से होता क्या है, जो ये HTML है यदि आप ऊपर ऊपर समझो तो ये पेज का साइज और पेज का ढांचा तैयार करता है, कौन, HTML। अब बोलोगे सर ये HTML के अंदर कौन कौन से टैग होते हैं, तो समझना मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो वेब पेज होते हैं ये वेब पेज बहुत से टैग से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने बोला पहला HTML, HTML टैग। अब बोलोगे सर HTML टैग के अंदर कितने टैग आते हैं, तो वो देखना। HTML के अंदर जो टैग आते हैं वो आता है बेटा पहला तो HTML ही हो जाता है, ओके, HTML। दूसरा क्या होता है, बॉडी। HTML के बाद अपन इसको हेड में लिखो, HTML के बाद क्या आएगा बेटा, हेड, और हेड के बाद क्या आएगा, टाइटल, और टाइटल के बाद बॉडी, ओके, बॉडी। ये अपने HTML के बेसिक टैग हैं। आपके क्वेश्चन में डीसी हो चाहे पीजीडीसी हो, ये पूछा जाता है कि HTML के बेसिक टैग क्या हैं। तो आप देखना HTML जो टैग होता है वो वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, और जो HTML होता है ना वो एक्चुअली में जो अपना ये पेज होता है इसको तैयार करने के लिए किया जाता है, ओके। आपको वर्डों से ही पता होगा, हेड मतलब क्या होता है, हेडिंग देने के लिए, टाइटल सबसे ऊपर हमको ये पेज किस चीज का है वो लिखने के लिए होता है, ओके। बॉडी मतलब ये पेज के अंदर हमको क्या क्या लिखना है,
लेकिन ध्यान रखना कि आप इसको ओपन किए हो तो उस अपन को क्लोज भी करना है। क्या करना है बेटा? क्लोज भी करना है। ओके, तो थोड़ा सा बताता हूं कैसे। इसको हमने ओपन किया तो इसको क्या करेंगे बेटा? क्लोज भी करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज। और क्लोज के लिए हम ऐसा चिन्ह मारेंगे और यहां पर टाइटल है तो ये टाइटल। ओके, इसको भी बंद किया। फिर यहां पर किसको बंद करेंगे? बॉडी को बंद करेंगे। तो ये चीज अपनी बंद हो गई। अब बोलोगे सर कि अपन ने जो ये वेब डिजाइनिंग का पेज लिया है इसमें कुछ वर्ड लिखे आते हैं, टेक्स्ट लिखे आते हैं, तो जो जो कुछ भी इसके अंदर लिखता है ना उसको टेक्स्ट बोला जाता है। और टेक्स्ट के कुछ टैग होते हैं जिन्हें टेक्स्ट कंट्रोल और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना, पहला टैग क्या हुआ? HTML टैग, जो पेज के ढांचे का तैयार करता है, पेज का जो ढांचा होता है उसको तैयार करता है कौन? HTML। यदि मैं आपको ऊपर ऊपर और आपके DC और PGD के हिसाब से बताऊं तो इसके बाद दूसरा इसी में आ जाएगा बेटा। HTML के बाद टेक्स्ट कंट्रोल आ जाएगा। क्या? टेक्स्ट कंट्रोल। अब बोलोगे सर ये टेक्स्ट कंट्रोल क्या होता है? टेक्स्ट कंट्रोल को दूसरी भाषा में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कह सकते हैं। अब वो कैसे? देखना थोड़ा सा, टेक्स्ट कंट्रोल में जो जो चीजें आएंगी आप थोड़ा सा उसमें देखना। टेक्स्ट कंट्रोल में बताता हूं, हेडिंग एच को क्या बोलते हैं बेटा? हेडिंग बोलते हैं। ओके, इसके बाद हेडिंग के बाद में बताता हूं BR भी आ जाता है इसमें, बोल्ड भी आ जाता है, इटैलिक भी आ जाता है, अंडरलाइन भी आ जाता है इसी में। ओके, इसी में सबस्क्रिप्ट भी आ जाता है सब, और इसी में क्या जाता है बेटा? सुपर स्क्रिप्ट भी आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको टेक्स्ट कंट्रोल करेंगी। अब बोलोगे सर इसकी थोड़ा सा कोडिंग बताना, तो मैं आपको बताता हूं कोडिंग कैसे करते हैं। ओके, यदि मैं यहां पर कोडिंग करता हूं तो थोड़ा सा देखना। सबसे पहले आप क्या लगाओगे? HTML। ओके, इसके बाद हम हेड लगाएंगे। हेड में आपको कुछ लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में टाइटल, और इसको मैं टाइटल यहां पर दिया माई वेब पेज, और इसको मैं टाइटल के द्वारा बंद कर दूंगा। ओके, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, मैंने इसको बंद कर दिया टाइटल से। इसके बाद मैं अपना क्या आ गया बेटा? बॉडी को मैंने ओपन किया। अब बॉडी के अंदर मेरे को क्या लिखना है थोड़ा सा देखना। जैसे मेरे को H2O लिखना है। H2O मतलब क्या होता है बेटा? ये इसको पानी का सूत्र बोलते हैं। अब ये जो 2 है वो सब है। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा तो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। यदि ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है दूसरा देखते हैं। H मतलब क्या होता है? हेडिंग। यदि मैंने यहां पर H स्टार्ट किया और मैंने यहां पर लिखा युवा कंप्यूटर, क्या लिखा बेटा? युवा कंप्यूटर, और मैंने हेडिंग को बंद किया यहां से। आप इस कोडिंग को नोटपैड में भी कर सकते हो और वर्डपैड में भी कर सकते हो। ओके, जो भी कोडिंग की जाती है वो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में ही की जाती है। तो मैंने जैसे ही हेडिंग को यहां से ओपन किया, यहां से क्लोज किया, और इसके बीच में जो भी लिखूंगा वो हमारा यहां पर शो करेगा। ओके, अब ये कैसे शो करेगा? तो सबसे पहले आपको इन नोटपैड में लिखना है। नोटपैड में लिखने के बाद जब इसको सेव करोगे तो किसी भी नाम से सेव करने के बाद उसका जो एक्सटेंशन होगा बेटा वो .html के नाम से सेव होना चाहिए। किसके नाम से? .html के नाम से सेव होना चाहिए। जब .html के नाम से सेव हो जाएगा तो जो ये वाली फाइल रहेगी ना, ये वाली फाइल हमको इंटरनेट के रूप में दिखने लगेगी। जैसे ही आप ओपन करोगे तो जो युवा कंप्यूटर है आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? यहाँ पर युवा कंप्यूटर यहाँ पर दिखने लगेगा। यदि मैं चाहता हूं कि ये जो युवा कंप्यूटर है ये हल्का सा बोल्ड हो जाए, क्या हो जाए? बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? हल्का सा मोटा और हाईलाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर हेडिंग के बाद इसी स्थान पर मैं लगा दूंगा बेटा बोल्ड। क्या? बी फॉर बोल्ड। और यहां पर मैं बोल्ड को बंद भी करूंगा और हेडिंग को भी बंद करूंगा। इसके बाद फिर कंट्रोल एस कर देंगे
और मैं जब वेब पेज में जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटे वर्डों में युवा कंप्यूटर लिखकर आ जाएगा। ओके, तो जो कुछ भी होता है ये सब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहलाती है, और जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है उन्हें टेक्स्ट कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। सीधी सीधी समझे तो पहले HTML टैग होता है जो पेज के ढांचे को तैयार करता है, दूसरी चीज क्या होता है टेक्स्ट कंट्रोल। जो टेक्स्ट कंट्रोल होता है वो जो पेज के अंदर टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, किस कंडीशन में क्या होता है, तो उनके लिए मैं बेसिक चीज लेके आया हूँ हेडिंग, बी आर मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए, बी मतलब बोल्ड करने के लिए, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, सब और सुपरस्क्रिप्ट, इसके बाद इमेज भी आता है। ओके, यदि आप बोलोगे कि ये पेज है मेरे को इमेज लाना है तो उसके लिए एक अलग टैग है और उसका नाम है बेटा इमेज टैग। क्या है? इमेज टैग है। अब यहाँ पर इमेज टैग के भी अपने प्रकार रहेंगे। यदि मैं बोलता हूं कि मेरे को इस पेज में लिस्ट लाना है, क्या लाना है लिस्ट, जैसे मैंने बोला मेरे को फ्रूट्स की लिस्ट चाहिए, किसकी, फ्रूट्स की, तो 1 2 3 ये हो जाएगी UL मतलब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, तो यहां पर लिस्ट टैग भी आ जाएगा। क्या है बेटा, लिस्ट टैग आ जाएगा और इसी में आ जाएगा अपना टेबल टैग। तो मैं आपको आज केवल इतना बताने वाला था कि जो अपना HTML का जो पेज तैयार होता है, HTML का जो पेज तैयार होता है वो कुछ इन टैगों के द्वारा होता है। अब पहला टैग क्या है, HTML टैग, ये क्या करेगा, इसका काम है केवल पेज की रूपरेखा दिखाना। ओके, इसके बाद टेक्स्ट कंट्रोल का काम होता है कि अपन वेब पेज में क्या क्या लिखे हैं उन टेक्स्ट को किसके किस टैग के द्वारा क्या कंट्रोल करना है, ये टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर आएगा। ओके, टेक्स्ट कंट्रोल और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। ओके, इसके बाद इमेज, इमेज क्या करता है, यदि मेरे को वेब पेज में यहाँ पर इमेज लाना है तो यहाँ पर टेक्स्ट कंट्रोल टैग काम नहीं करेगा, उसके लिए लगेगा बेटा इमेज टैग। ओके, इसके बाद लिस्ट टैग, यदि मेरे को वेब पेज में इस तरह की लिस्ट लाना है तो लिस्ट टैग का यूज करते हैं, और लिस्ट टैग में दो चीजें होती हैं UL OL मतलब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ओके, इसके बाद आता है बेटा टेबल टैग। ओके, टेबल में क्या होगा, जैसे मेरे को यहाँ पर एक टेबल बनाना है। ओके, क्या बनाना है, टेबल, तो टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का उपयोग करेंगे। अब बोलोगे सर टेबल टैग में क्या क्या आता है, तो देखना, एक आता है अपना TR, एक आता है TD, एक आता है TH। ओके, अच्छा इनका मतलब क्या होता है, TR का मतलब होता है टेबल रो, मतलब हम टेबल रो, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर कितनी रो है, 4 रो है, तो रो को बनाने के लिए TR का यूज करते हैं। TD रो के अंदर कोई डेटा लिखना है, टेबल डेटा, तो वहां पर किस टैग का यूज करते हैं, TD। TH ये टेबल किसकी है, मेरे को हेडिंग लिखना है कि टेबल किस चीज की है, तो वहां पर यूज क्या करते हैं बेटा, TH का यूज करते हैं। ओके, तो मैं आपको आज कोडिंग नहीं बताया, केवल ये बताया हूं कि जो अपना ये पेज होता है इस पेज को कैसे तैयार करते हैं और इस पेज को तैयार करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, किस टैग से क्या कर सकते हैं, किस टैग के अंदर क्या आता है। तो मैं आपको केवल वेब पेज को तैयार करना बताया हूं, न कि किसी प्रकार की कोडिंग बताया हूं। ओके, मैं अगली वीडियो में कम से कम 3-3 कोडिंग एक वीडियो में लेके आऊंगा, और जो कोडिंग मैं यहां लिखूंगा वही कोडिंग आपको एग्जाम पर लिखना है। ये भी बताता जाऊंगा कि थ्योरी में आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं होने वाला। आप बोलोगे मैं प्रैक्टिकल भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको थ्योरी में विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो HTML टैग में आप इतना समझे कि जो वेब पेज होते हैं उसके अंदर जो कुछ भी लाते हैं वो HTML के द्वारा ही लाते हैं, और इनके द्वारा, इन टैग के द्वारा हम वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली कोडिंग के लेके आऊंगा। तो वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।